को प्राइवेट जॉब करने वाला सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ऐलान भी किया हुआ है कि कुछ स्कूल्स का जो 20% कुछ का 40%, तो वो भी वो कोई किसी किस्म का हमारे साथ जो ना कॉपरेट नहीं कर रहे, वो पूरी फिर डिमांड कर रहे हैं हमसे, और कोई किसी किस्म का हमें जो ना सिलेबस भी नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हमने खुद क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े हमने पूरी फीसेज दी, इवन कि हमारा लास्ट जो एक था मैंने बच्चों को स्कूल से शिफ्ट इसकी वजह से करवाया था कि उन्होंने कोई किसी किस्म का हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया, और बल्कि उन्होंने हमें जो ना वो रिजल्ट होता है रिजल्ट आउट हुआ तो वो भी हमें नहीं दिया उनको, इस वजह से कि हमारी समर वेकेशन जो फीसेज थी वो हमारी पेंडिंग, हमें बच्चों को स्कूल से मूव करना पड़ा। हमारा जो अभी ये जो हमारी जो छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल में, ये भी हमसे मैसेज करके तो हमसे फीसेज की डिमांड करते हैं, तब जाके हमें कुछ जो उनका सिलेबस होता है वो देते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए। देखें हेल्थ एंड एजुकेशन जो ना गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में है, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो ना ये एजुकेशन ही ये माफिया है, बहुत बड़ा इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा होता है इनका। हमारे बच्चे भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो देखें जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कोई मसला नहीं है, असल मसला होता है कि जो क्या कहते हैं अंडर मिडिल क्लास होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट है। इस सूरत हाल में सभी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ख्वाह वो स्कूल मालकान हो या बिल्डिंग्स लैंडलॉर्ड्स हो। मेरा चूंकि प्रॉपर्टी से मुंसलिक कारोबार है, जो ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू घरों में तालीम डिलीवर कर रहे हैं वो तो फीस लेने के फिर भी मजाज हैं, जो कुछ डिलीवर ही नहीं कर रहे सिर्फ एक इन टच होने के वो पैसे मांग रहे हैं, वो समझ से बालातर है। गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड हो फिर तो हम उनमें बच्चों को भेजें, हमें हर चीज़ का पता है कि ये सरासर सब कुछ बिजनेस के लिए हो रहा है। इनके यूनिफॉर्म्स चेंज करना, किताबों के पैटर्न चेंज करना, वो हम सब अंडरस्टैंड करते हैं, बट क्या करें, बच्चों को तालीम भी तो दिलवानी है, हम मजबूर हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स का वो स्टैंडर्ड नहीं है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पर भेज सकें। कितनी तवज्जो देना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि फुल प्रायोरिटी सरकारी स्कूलों को होना चाहिए, क्योंकि तालीम के अलावा तो तरक्की नहीं है किसी भी मुल्क की। जिस भी मुल्क ने तरक्की किया तालीम से ही। आजकल ये बहुत बड़ा मतलब है कि एक मुनाफा बस कारोबार बन गया है। सर गवर्नमेंट को कम से कम ये से प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई जब्ते हयात बनाना चाहिए कोई। मैंने अपने बच्चे जो है ना एक स्कूल में डाले थे, 3,000 3,500 फिर 4,000 फीस हो गया, मैंने इस वजह से उससे निकाले कि मैंने जब दूसरे स्कूल में उन्होंने टेस्ट दिया तो वो फेल हो गए, और उस स्कूल वाले जो है ना उसको नंबर देते थे 98 95 फर्स्ट डिवीज़न, तो मैं समझ गया कि ये सारा है रेपेरी है। गवर्नमेंट को स्टेप तो लेना चाहिए ना सर, कहने का मकसद है कि हालात जो चल रहे हैं मेरे हिसाब के लोग सर्वाइव बेहतर करेंगे या अपने फीसें भरेंगे, क्योंकि खर्चात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो आम मिडिल तबका है वो तो बिल्कुल जो है ना स्टक हो गया, बिल्कुल बंद हो गया है, तनख्वाहें भी नहीं है। मेरे हिसाब से पूरे मजे के जो जितने भी स्कूल हैं जो है रिलीफ दें 2-2 महीने का जो है जब तक कोरोना है।